फेरी टेल के एपिसोड 8 का रिएक्शन लेके हाजिर हो चुके हैं। फटाफट शुरू करते हैं अभी को। चलो तुम आ ही गए हो अब तो, बस अब घुल मिल जाओ। अंकल मैं तो 3-4 दिन से आना चाह रहा था, आपकी तबीयत का सुना तो मुझसे तो रुका ही नहीं गया। ओ, बड़ा अच्छा दामाद है तुम। ऐसे होते हैं होनहार और लायक बच्चे। अस्सलाम वालेकुम। सलाम, हया आ गई। क्या बात है हया, नाश्ता भी ले आई। चलो जीनत मैं जरा आराम कर रहा हूँ, मेरी चाय तुमने कमरे में भिजवा दी। अच्छा बेटा। ओके अंकल। दामाद आया और ये कमरे में आराम करने जा रहे? वाह, और दोनों को किला छोड़ दिया इसलिए। लेट्स सी अब ये क्या बात करते हैं। जी आपको पता है ना, मैं बतौर खास आपसे मिलने आया हूँ। बतौर खास? जी खास मालूम है। तो बताइए मैं कैसा लगा आपको? ये मैं पाशा साहब को बता दूंगी। अगर कोई मसला है तो आप मुझे बता सकती हैं? नहीं, वो भी मैं पाशा साहब को बता दूंगी। बता दो, छुट्टी करो, बंदा समझदार है, समझेगा मुझे लग रहा है। क्यों? लग तो रहा है वो समझ भी गया है। ये रिश्ता सिर्फ बड़ों की मर्जी से हुआ था, को लेके तो थोड़ा सा मैं भी परेशान। आवाज नहीं आ रही है, कौन बात कर रहे हैं? कौन सा बैंक? जी थी मैं ही हूँ उमीद पाशा। पैसे आ गए क्या? मेरे चेक क्लियर हो गए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। करोड़पति फाइनली अब हुई है ऑफिशियली। ऑफिशियली मेरा चेक क्लियर हो गया, मैं करोड़पति हो गई, मेरे अकाउंट में पैसे आ गए। वाओ, है ना गुड न्यूज़। पर इनको सच पता चलेगा तो ये बहुत नाराज होगी इनसे, मुझे लगता है। जो माँ वाली बात इन्होंने झूठ बोली है। कौन सी? सौतेली माँ वाली जो झूठ बात बोली है। यार मैं किसी और में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं तो किसी और लड़की की तरफ आंख उठा के भी नहीं दे सकता, कसम ले ले मुझसे। अब हेलो समीर। हेलो समीर, मिस्टर फ्रेंड जोन। इससे क्या हो? मैं जरा देख के आती हूँ। अरे नहीं आप बैठिए ना। तुम समीर तो कजन जोन हो गया है भाई। कजन भाई जोन। वैसे मुझे अंदाजा नहीं था कि आप इतनी खूबसूरत होंगी। आप चाय नहीं लेंगी? असल में चाय पीती नहीं हूँ। चाय नहीं पसंद आपको? नहीं, मैं सिर्फ चाय बनाती हूँ। मजाक कर रही हूँ। जब दिन में आप 15 दफा चाय बनाएंगे तो आपको तो यही जवाब होगा। चलें आज मेरी खातिर एक कप पी लीजिए, इसी बहाने आपसे थोड़ी बात हो जाएगी। जिसके खातिर मैं चाय पीती थी वो तो अब है ही नहीं यहाँ। उम्मीद कहना चाह रही है वो, पर वो कुछ और समझ रहा है। मिमी 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 थोड़ा सा पानी तो गिरा है, कौन सी कयामत आ गई। वैसे अगर क्यामत आ भी गई ना तो आज मेरा मूड खराब नहीं कर सकती, क्योंकि मैं इतनी खुश हूँ इतनी खुश हूँ इतनी खुश हूँ कि मैं क्या बताऊँ। तुम मत बताओ, मैंने पूछा। सैवेज। आन को इतना बदमिजाज और मगरूर नहीं होना चाहिए, सुन लेनी चाहिए। जल्दी साफ करो यार ये। रहने दो, मैंने गिराया ना मैं ही साफ करूंगी, लाओ दो। वैसे जितना बड़ा घर है ना आपका उतना ही छोटा दिल है। कपड़ा नहीं मारना था? अच्छा मैं इस्त्री करके लाती हूँ, सूख जाएगा। मैं तुम्हें अब इस घर में दोबारा नहीं देखना चाहता। हैं? सिर्फ पानी गिराने पे? तो क्यों, कहाँ जाना है? मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ के आ रहा हूँ। नहीं नहीं प्लीज, मुझे गली को थोड़ी देर और रुकने दे। ये बस ऐसे सीन हो गया भाई। कैसे बैठी है? बताया भी नहीं कि मैं यहाँ से शिफ्ट हो रही हूँ। तुम्हारी मामा को ना मैं बता दूंगा। और मीमी, उससे भी मिलना था मुझे, मेरा सारा सामान भी वहाँ पर रह गया है। घर के पीछे बैठी रहो। बच्चे की तरह एक्टिंग बहुत सही करती है। आप ड्राइवर को कहते ना मुझे छोड़ा दो। आराम से आराम से। तुम पागल तो नहीं हो गई? आप पागल हो गए? आपको गाड़ी चलानी नहीं आती क्या? आज मेरे अकाउंट में करोड़ आए। अगर आज ही अल्लाह मियां को प्यारी हो गई तो मेरी रूह को बेचैन फिरेगी। करके ना पीछे बैठी रहो, वरना मैंने एक गाड़ी दीवार में मार देनी है। मुझे मार दो अभी गाड़ी। ओके 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 ओके। उम्मीद पाशा करोड़पति बन गए, अब क्या करोगी? चाय का कैफे डालने वाली है। चाय पीना बहुत शौक है ना इसको, चाय का। प्रजात पाशा साहब खामोश रहने का कहा था ना, चुपचाप उतरो।
मगर चुप। तो पाशा साहब उसको अंदर आने देंगे? लेट्स सी, पाशा साहब के चुपके से ही जाएगी अंदर, पक्का है। पाशा हाउस मुंह पे उंगली क्यों रखी है होंठ पे? स्कूल की याद आई, हाथ की घड़ी मुंह पे उंगली करके सब बच्चे बैठ जाओ। क्या मुसीबत है, कोई आ क्यों नहीं रहा? क्या मुझे लगता है कि घर पे कोई नहीं है। तो कॉल करो ना, मैं किसी के हवाले करके जाऊंगा। फोन मेरा आपके घर पर रह चुका। शाबाश, यानी फोन भी नहीं लेकर आई? मैं फोन नहीं बल्कि कुछ भी नहीं लेकर आई। तो ये बात पहले नहीं बता सकती थी? हाँ तो आप मुझे बोलने कहाँ दे रहे थे कुछ, बस एक ही रट लगाई थी, चुप 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 चुप। हाँ तो तुम बड़ा चुप कर गई थी। तो मैं नहीं रह सकती ना चुप, बचपन से मुझे बहुत बोलने की आदत है। और आपको पता है क्या, कर जो चुप कर जो, खुदा का वास्ते चुप कर जाओ। परेशान करके रख दिया यार। बैठो। मैं नहीं आ रही आपके घर आपके साथ, मैं यहीं खड़ी रहूंगी चाहे रात हो जाए, मुझे नहीं आना आपके साथ। उम्मीद, मैं कह रहा हूँ बैठो। पहला मुझे सॉरी बोला। उम्मीद ओके आई एम कम। चले सीट बेल्ट लगाओ। लगाना भी नहीं आता। बेचारा देखने रह गए थे लोग करोड़पति होकर दुनिया घूमने के लिए, और मैं यहाँ पर बैठ के डॉक्यूमेंट जिस तरीके। तो तुम छोड़ दो ना, क्या करियो, किसी मुलाजिम से कहती हूँ मैं कर देता है। जी नहीं, इन डॉक्यूमेंट्स की वजह से मुझे घर से बाहर निकाला जा रहा था, और मैंने ठीक करके दूंगी। मैं आगू जान से बात करूंगी, वो पाजी तो आपको मनाएंगी, और मैं चली जाऊंगी ये घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए। तुम लोगों को तंग आ गए हो ना तुम सब लोग मुझसे। तुम बैठो आराम से, मैं तुम्हारे लिए जूस लेकर आ रही हूँ, और तुम कहीं पे भी नहीं जा रही हो। क्या बात, चला ना दे। ऐसी फ्रेंड मिल जाए तो क्या बात है, क्यों पैरेलल यूनिवर्स में होगी ऐसी फ्रेंड? पैरेलल यूनिवर्स में वैसे उसकी मम्मी को चाहिए उम्मीद, इसलिए ये रह पा रही है। तो उसकी मम्मी मना कर चुकी होती। उसकी मम्मी भी भगा चुकी होती अभी तक। मेरी कोई बात बुरी लगी है तो आई एम सॉरी, मगर रिप्लाई तो कर दें। दिल बेताब है, नींद आंखों से दूर है। भाई वो बंदा अलग नहीं मान रहा है, कहीं ये लड़ने ना लग जाए इस बात को लेके फरजाद से जाके। होशियार इंसान, आज तो तुम्हें सबके सामने एक्सपोज करो। क्या है ये? क्या है? लोगों के सामने कुछ और मैसेज पर कुछ और ही बातें। कौन सा मैसेज? कोई एक मैसेज हो तो बताऊं। मुझे लगता है आप ना अपने होशो आवाज खो बैठी हैं। मैंने आपको कोई मैसेज नहीं किया। झूठे, मेरे अलावा और कितने लोगों को मैसेज किया है? ओ हेलो, यू हेलो, फजूल एग्जाम क्यों लगा रही? काम डाउन, क्या हुआ है? मां इस लड़की का दिमाग खराब हो गया। माँ आप खुद देख लेगी, इतने दिनों से ना मुसलसल मुझे मैसेजेस करके परेशान कर रहे हैं। मैं ये सारे मैसेजेस इन्होंने मुझे किए हैं। नंबर फरजाद का नहीं है, है? नहीं आप ठीक से देखें, ये इन्हीं का नंबर है, इनके अलावा किसका हो सकता है? Enough. बिना वेरिफिकेशन के आप किसी पे ब्लेम नहीं कर सकते। अपना सामान पैक करो, निकलो यहाँ से। आप इसकी साइड मत लें, चलो सामान लो, निकलो यहाँ से। बेटा पहले कंफर्म तो कर लेते हैं। हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है ये सब कुछ? Because you are not so क्या कहेंगे उसे? उसका मन भी नहीं लग रहा काम में। कब से फोन कर रही हूँ मैं तुम्हें? हाँ यार, मैं खुद एक मुसीबत में फंसी हुई थी, वलीद आया हुआ था। मतलब तुमने उस वलीद के लिए अपनी जान से प्यारी दोस्त को भुला दिया? ठंड में हुई है, सब हुडी पहने रहते हैं। उसके सामने कैसे कॉल अटेंड करती? और घर के फोन को क्या मौत पड़ गई थी, किसी ने उठाया क्यों नहीं? आई डोंट नो। और घर की बेल, अब बोल दो वो भी खराब है? हाँ घर आई थी मैं, किसी ने गेट नहीं खोला। कसम से वो तो खराब ही सही है, तुम्हें क्या हुआ है? उम्मीद से बात कर रही हूँ, आगू जान से बात करवाओ मेरी। हेलो उम्मीद, बढ़िया, मुझे आपके पास आना है। तुम रो क्यों रही हो? क्या वो शो वगैरह सब फ्रॉड निकला? देखा समीर पहले ही कहता था।
कोई पैसे वैसे नहीं देते। नहीं पैसे दे दिए उन्होंने। पैसे मिल गए, ऐसे मिल गए। आपकी याद आ रही है, मुझे घर वापस आना है। तो आ जाओ। पाशा साहब ने, अरे उसे मैं देख लूंगी। भूल ना जाए। भूल ना जाए, ये भूल जाती है। ओ भाई आ गया मैसेज करने वाला, उसका बॉडीगार्ड भी घूम रहा था। बॉडीगार्ड कम मैनेजर। मुझे पता था फरजाद नहीं आपको कहा है ना मुझे परेशान करने के लिए। अरे वो मुझे क्यों कहेंगे। तो फिर आप मेरे पैसों के पीछे, मैं आपको पहले ही बता रही हूँ मुझसे आपको एक पैसा भी नहीं मिलेगा। मोहतरमा आपकी हर बात पैसे से शुरू होकर पैसे पे खत्म होती है। अभी तो मुझे खुद भी पैसे नहीं मिले और आप हाथ धोकर मेरे पैसों के पीछे पड़ गए। कल बैंक जाऊंगी ना आपको 1,00,000 रुपए दे दूंगी, लेकिन उसके बाद आपको मुझसे प्रॉमिस करना होगा कि आप मेरा पीछा नहीं करेंगे और मुझसे कोई ताल्लुक नहीं रखेंगे। ऐसा मुमकिन नहीं। ठीक है कोई बात नहीं, मैंने तो आपको ऑफर दी थी, लेकिन इससे ज्यादा की ना मुझसे उम्मीद मत रखिएगा। शायद आपकी शीरें गुफ्तार की मजीद ताब नहीं ला सकेगी। तो जेरे आप तो जा सकते हैं ना, जाके डूब जाए। आप यहाँ क्या कर रहे हैं, माँ तो आपका अंदर वेट कर रही है। खाना नहीं खा रहा है। सही, क्या नखरे हैं? कोई मेरे नखरे उठाए ना ले। क्या कर रहे हो तुम लोग खाने के साथ? नहीं आज जान, सभी ने खाना भी नहीं खाया है। मुझे अच्छी तरह याद है इसने थोड़ी देर पहले ही खाना खाया है। मगर इसमें सिर्फ दो चार निवाले लिए थे फिर उठ गया था। आगू जान अगर कोई इतना बुरा खाना बनाएगा तो कौन खाएगा? आगू जान समीर से कहें आसमान से मनोसलवा तो उतरता नहीं है यहाँ पर। लेकिन आज उसका ज़हन कहीं और था। मैंने वलीद को नहीं बुलाया था, तो क्या मसला उसे? आई हेट हिम। कौन वलीद भाई? मैं जा रहा हूँ। अरे तुम प्यार करते हो तो एक्शन लो ना, बोलो मैं उससे उसको पसंद करता हूँ। तुम क्यों जल कुकरे बने फिर रहे हो? और तुम क्यों दासी बन के फिर रही हो? समीर खाना खाना है, मैं ले जाऊँ। ले जाओ और अपने वलीद को खिलाना। चुपचाप आराम से बैठ कर दोनों खाना खाओ। पता है हया ने सुबह से कुछ नहीं खाया हुआ। तुमने खाना नहीं खाया? भाई दोनों की प्लेट आ गई। लो ये वाला सीन है, तुम खा लो मेरा पेट भर जाएगा। देखा 50,00,000 काट लिए मेरे, बहुत ही धोखेबाज लोग हैं ये लोग। चलो कोई बात नहीं, बाकी पैसे तो मिल गए ना। मतलब सिर्फ 1.5 करोड़ मिले। तो जो उम्मीद अंदर रखो इन्हें कोई छीन लेगा पागल। अरे वो दिन गए जब उम्मीद 1,000 का नोट निकालते हुए भी ना डरा करती थी। अभी कोई छीनेगा ना फिर बैठ के रोगी। तो अरे फिर हजारों की कदर नहीं मेरे पास। लेकिन अंकल तो मैं ये चुटकियों में उड़ा सकती हूँ, बल्कि काम करती हूँ। बात सुन। ओ भाई ये ले, ये ले, ये लो तुम भी पकड़ो, ये लो तुम भी पकड़ो, ये लो। ये तो ऐसे ही लुटा देगी भाई, कितने सारे आ गए भाई। उम्मीद चलो और किसको चाहिए पैसे? मुझे डर लग रहा है। ये लो। नहीं 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 चलो चलो पैसे नहीं नहीं चलो चलो। हेलो भाई उम्मीद तुमने भी हद किए। बीच बाजार में तुमने इस तरह पैसे खोल लिए, इतने खतरनाक लोग लग रहे थे कोई भी हमसे छीन सकता। कोई खतरनाक नहीं थे और वैसे भी तुम्हारे भाई से ज्यादा कोई खतरनाक हो सकता है। कभी तो सीरियस हो जाया करो यार। बात बात पे भाई का ताना। मैडम आपने सबको पैसे दिए मुझे पैसे नहीं दिए। ओहो ये ले आप ही रख ले, ये ले। थैंक यू। और जल्दी करें फरजाद भाई के उठने से पहले पहले हमें घर पहुँचना है। मैडम क्या आप मुझे उस गेम शो में भेज सकती हैं? आप क्या करेंगे वहाँ जाके? हो सकता है मैं भी जीत जाऊँ गाड़ी वगैरह, तब तक देखे ना मैं दूसरों की गाड़ियाँ चलाता रहूँगा। सही है। फरजाद भाई को बताऊँ आपका फरमाइशी प्रोग्राम? नहीं नहीं सॉरी। अब गाड़ी स्टार्ट करें, ऐसा ना हो कि नौकरी और गाड़ी दोनों आपके हाथों से चली जाए। जी मैडम। दिलदारी भी अच्छी नहीं है भाई। ये बस सही है, पैसा हाथ में आते इंसान पागल हो जाता है। ये दिखा रहे हैं पहले का कंजूस थी वहाँ कंजूस थी। सही है। हया ने बड़ी बदतमीजी की है वली से। मैं मान ही नहीं सकती, पाशा साहब मेरी बच्ची तो बकरी की तरह मासूम है।
अच्छा जी, वलीद का बाप तो झूठ बोल रहा है ना? नहीं, नहीं, नहीं बड़े भाईजान, मैं माजरत करता हूँ, मुझे जीनत की तरबियत से ये उम्मीद नहीं थी वैसे। अरे बाप रे। हाँ, आपके इल्म में भी है कि उम्मीद जुलेखा आपा के घर नहीं रह रही। क्या? वो अपनी किसी दोस्त के घर पे, और मैं आपको बता रही हूँ उससे पहले कि पानी सर से ऊंचा हो या हमारे सर से गुजर जाए, आप उम्मीद को फौरन घर वापस ले आए। समीर को कहो उसे वहां से लेकर खाला के घर छोड़कर आए। जी अच्छा। और मैं वलीद के घर जा रहा हूँ, तैयार होकर आ जाओ जल्दी से, मैं बाहर इंतजार कर रहा हूँ। और ये क्या कपड़े पहने हुए, मोजे पहन के आना। मोजे पहन के आना। गुलाबी होंठ जैसे ये नोट, ला 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 ला। उम्मीद बस कर दो नोटों से खेलना, साइड पे रख दो इन्हें अब। तुम्हारी दोस्त अब नोटों से नहीं बल्कि नोटों में खेल रही है। दिल भर गया और नोटों से, तो जाके लंच कर ले, मुझे बहुत भूख लग रही है। टाइम क्या हो रहा है? 2 बज रहे। 2 बज गए? समीर और हैं मुझे लेने आते ही होंगे, मुझे पैकिंग भी करनी है। उम्मीद प्लीज कुछ दिन और रुक जाओ ना। हाँ, ताकि तुम्हारा आदमखोर भाई मुझे कच्चा चबा जाए। इतने भी जालिम नहीं है मेरे भाई। अब इस ख्यालात पर मैं नजरसानी करूँ। अब एक कप चाय पिला दो। नहीं, पहले लंच। चलो पहले चाय, पहले लंच। तुम्हारी रिश्वत, अब चाय। वाह वाह। ये क्या, कुएं से निकला बावली में गिरा? मुझे तो लगा था कि पाशा साहब सुनकर उम्मीद को वापस आने की इजाजत दे देंगे। पाशा साहब को बता दें कि अगर उम्मीद इस घर में नहीं रहेगी तो मैं भी नहीं रहूंगा। होती नहीं है, और तुम हमेशा पहली बोरिया बिस्तरा बांध के जाने के लिए तैयार होती हो। लेकिन इस बार मैं धमकी नहीं दे रही, उम्मीद के मामले में बहुत सीरियस हूँ। ये जो उम्मीद के लिए आपकी मोहब्बत उमड़ उमड़ के बाहर आ रही है ना, ये घर में वैसे किसी को हजम नहीं हो रही। सिर्फ चाची तो नहीं हो ना उसकी? अरे मामूजाद थी उसकी माँ मेरी। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे आज रात तक उम्मीद और 2 करोड़ इस घर में वापस चाहिए। 2 करोड़ नहीं, अब वो 1.5 करोड़ हो चुके हैं, और पता नहीं उसने बांट कितने दिए। मामला कुछ गंभीर नजर आ रहा है। नहीं तो कौन सा मामला? कि बेकरारी सुना रही है किसी नई नई मोहब्बत का मजा, है ना? है ना? है ना? कुछ भी बोली चली जा रही हो तुम। सही बोल रही है। ठीक है, मत बताओ, लेकिन हाँ संभल के, तुम बहुत मासूम हो, कोई भी तुम्हें बेवकूफ बना सकता है। अच्छा तुम ये सब छोड़ो, तो मुझे बताओ कि तुम्हें आज तक कोई पसंद नहीं आया? उम्मीद जिसे तुम इश्क कहती हो ना, उसे मैं चाय कहती हूँ। तुम बता, जितना तुम्हें चाय का क्रेज है ना, उतना ही फरजाद भाई कॉफी लवर है, और भी ब्लैक कॉफी, तभी इतने कड़वे और कसीले हैं। तुम बता, तुम हलत समझती हो उन्हें, वो दिल से इतने प्योर और खूबसूरत है ना। दिल का तो नहीं पता मुझे, ऐसे दिखने में तुम्हारे भाई ठीक ठाक ही है। जब तक खामोश रहे तब तक मुझे आग निकालने वाला ड्रैगन याद आ जाता है। फरजाद भाई आप कब आए? साइम, जब आपकी ये दोस्त मुझे मुंह से आग निकालने वाला ड्रैगन बुला रही थी। नहीं, वो तो ऐसे ही बोल रही थी। आपको क्या? लिसन, मेरे कुछ इंपॉर्टेंट गेस्ट आ रहे हैं, तो अपने दोस्त को कहना कि अगले 1 से 2 घंटे मुझे ड्राइंग रूम के आसपास भी नजर ना आए। What a timing है। कैसे मुझसे आग के शोले निकाल के गए? जीनत, तुम्हें अंदाजा भी है कि हाया ने वलीद के साथ कितनी बदतमीजी की है? हाया ने तो जिंदगी में किसी से बदतमीजी नहीं की। ये वलीद ने ही कुछ किया होगा, मुझे पहले से इस लड़के पे शक था, झूठ बोल रहा है वो। मैं करता हूँ हाया से बात। पहले उम्मीद और अब हया की शामत आएगी, तुम्हें हुआ क्या है आखिर? तुम जाके हया को बुला के लेके आओ। उम्मीद तैयारी हो गई? जी मामा। ये पी लो, अपने सामान में रख लेना। ये गिफ्ट मेरे लिए है? मामा आप कितनी स्वीट हैं, आपको पता है इस घर में सबसे अच्छी आप हैं। मेरा बेटा भी बहुत स्वीट है, लेकिन तुमने फरजाद के साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया। हाँ तो मैं जानबूझकर थोड़ी करती हूँ सब कुछ, मेरा दिल ही इतना कमजोर है, खून खार आवाजों से डर जाता है। पहले फरजाद से जरूर मिलना चाहिए। नहीं माँ, बैड आइडिया, अगर अब उम्मीद कुछ बोलेगी तो बात बहुत बिगड़ जाएगी।
ठीक कह रही है मिमी, और वैसे भी ना उन्हें देखकर मेरे हाथ पांव फूल जाते हैं। सिली गर्ल, इतना टाइम इस्लामाबाद में भी तो साथ गुजारा था, कुछ नहीं होता। वो आप मुझसे पूछा कि वो दिन कैसे गुजरे। वीकेंड्स पे तो आओगे ना? ओके, तो वीकेंड्स क्यों बोल रही है? वीकेंड्स हम ना वीकेंड्स तो भाई घर पे होते हैं। इसलिए तो बुला रही हूं। अजाब बना कर रखती है बच्चों की जिंदगी। जवाब तो आया। जाने निकाल दिया। सवाल तो करने दो मुझे। बोलो क्या कहा था तुमने वलीद को? हम तो अदालत ही लगा कर बैठ गए हो। तुमने कहा था वो तुम्हें पसंद नहीं है, कोई और पसंद है क्या? बोल दो यस। नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। वाकई ऐसा ही है? नहीं। पाशा घबरा रही, आप आराम से बात करें ना। अच्छा तो फिर वो कौन है जिसकी वजह से तुमने चाय पीना छोड़ दी है? पाशा साहब, वो उम्मीद की वजह से छोड़ दिया है। उम्मीद की बात की थी तो उम्मीद का नाम भी लेना चाहिए था ना। जी। अगर तुम्हें इस शादी से एतराज है तो साफ साफ बता दो। उम्मीद ने भी मनमानी की थी, तुम भी मनमानी कर लो। जो भी दिल में कह दो, डरने की जरूरत नहीं है। मुझे शादी से कोई इनकार नहीं है। ये क्या बोल रही है भाई? देखा देखा, मैंने कहा था ना कि मुझे मायूस नहीं करेगी। ओ भाई, एपिसोड इधर ही एंड होता है दोस्तों। ये इसका अच्छापन कब छोड़ेगी? हाँ यार, ये कुछ ज्यादा ही अच्छी है। इतना अच्छा कोई नहीं होता है। ये इंडियन टीवी की बहू की तरह अच्छापन दिखा रही है। कुछ ज्यादा ही दिखा रही है, इतना अच्छा नहीं होता है। रियल में होना भी नहीं चाहिए भाई, अच्छों का जमाना ही नहीं आजकल। देखते हैं फिलहाल एपिसोड 9 में क्या होता है, और उम्मीद घर आती है या नहीं आती है, लेट्स सी। आप बताना आपको कैसा लगा। चलेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे जल्दी अगले वीडियो में। टिल देन मेक लव नॉट वॉर।